एक छोटे से गांव में एक विचित्र किस्सा प्रसारित था। गांव वालों के किस्सों में फैली थी यह खबर कि वहां एक भूत घूमता था जिसकी विचित्र शक्ति थी कि वह किसी भी की चेहरे को अपना सकता था। गांव वालों ने इस अद्भुत रहस्य के साथ रहने का तरीका सीख लिया था। कुछ डर जाते थे, कुछ इसे अजीब मानते थे। एक युवा महिला लूसी ने हाल ही में इस गांव में आकर बसी थी। उसे उसकी पुरानी दुनिया की यादें और किस्सों की बातें पसंद आती थी। लूसी भूत की विचित्र शक्ति की कहानियों पर बहुत ध्यान देती थी। बस यही उसकी जिज्ञासा उसे यहां ले आई थी। पूनम की रात में जब गांव की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था तो उसने एक आवाज सुनी। उसने देखा कि एक छायादार आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह भूत था। उसका स्वरूप पारदर्शी और आत्मिक था। जब भी वह उसकी ओर मुड़ता उसके चेहरे की आकृति बदल जाती थी। लूसी का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह भूत के चेहरे की परिवर्तन को देखती। उसकी आंखों के सामने भूत उसकी बहन के चेहरे का रूप लेने लगा जो कई साल पहले गायब हो गई थी। लूसी की आंखों में आंसू आ गए। लूसी ने जब अपनी बहन का नाम लिया, भूत कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं की गहराई थी। लूसी रोज भूत को देखने आती पर भूत उसकी बहन का चेहरा बना लेता पर कहता कुछ नहीं था। समय बीतता गया। लूसी ने भूत की कहानी के राज को खोजा। वह जानी कि यह एक जीवित व्यक्ति था जिसने एक दुखद घटना का सामना किया था। इस भूत का नाम पीटर था। इसे गलती से गांव वालों ने किसी लड़की का कातिल समझकर जिंदा जला दिया था। इस वजह से विचलित होकर उसकी आत्मा गांव में भटकती थी और मानव जगत के चेहरों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को संवादित करता रहता था। लूसी की दया और संकल्प के साथ वह भूत को आत्मा शांति पाने में मदद करना चाहती थी। तो वह वहां गई जहां उसे जलाया गया था। तो उसे वहां एक आधा जला हुआ पेपर मिला जिसमें उसे पता चला कि गांव वालों ने इसे गलत गुनाह के लिए सजा दे दी थी। तो लूसी ने उस लड़की के बारे में पता लगाया जिसकी मौत का इल्जाम पीटर पे था। लूसी हैरान हो गई थी कि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन मारिया थी। वहां एक बूढ़ी औरत ने बताया कि पीटर और मारिया शादी करने वाले थे पर वहां के एक अमीर आदमी ने उसे मरवा दिया और इल्जाम पीटर पे लगा दिया। पर कुछ दिन बाद वो खुद भी किसी बीमारी के कारण मर गया। यह सब सुनकर लूसी वापस भूत के पास जाती है और उसे बताती है कि मारिया उसकी बहन थी। वो दोनों का पूरी विधि से आखिरी क्रियाक्रम करेगी जिससे पीटर की आत्मा को शांति मिलने लगती है। आखिरकार वो दिन आया जब भूत की आत्मा गांव में नहीं घूमती थी। गांव में नई रोशनी छाई, हवा में अधिक कोमलता थी। गांव वालों ने लूसी की भूत के प्रति दया भावना और गांव को उससे मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया जिसे गलती से गांव वालों ने किसी लड़की का कातिल समझकर जिंदा जला दिया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।